कई बार सुना था कि जंगल में मंगल होता है, लेकिन ऐसा महसूस तब हुआ जब मैंने मुकुंदरा देखा। मैं सोचता था कि सिर्फ इंसान ही मेल मिलाप जानते होंगे, लेकिन मैंने यहां के हैंगिंग ब्रिज को 14 नेशनल हाईवे से मिलाते देखा। मैंने सुना था कि वादियां बहुत विहंगम होती हैं, लेकिन मैं तब हैरान रह गया जब मैंने गरड़िया महादेव को इतने करीब से देखा। मैंने देखा कि जवाहर सागर डैम बाहें खोलकर चंबल के पानी को खुद में समेट लेना चाहता है। मैंने देखा कभी खौफ का नाम रही ये चंबल घाटियां आज खूबसूरती का पैगाम दे रही हैं। मैंने देखा कि कैसे चंबल और एरो नदी मिलकर टाइटेनिक सा सुंदर आइलैंड बना रही हैं। मैंने देखा कि जावरा टापू पर जल का राजा बेखौफ होकर अपनी बादशाहत पर इतराता है। मैंने देखा कि सिलजर की ये खामोश घाटियां कैसे टाइगर की दहाड़ से गूंज उठती हैं। मैंने देखा कि व्यू पॉइंट के नजारों में कुदरत की नेमत कितनी खूबसूरत नजर आती है। ना जाने कितनी बार मेरा मन इन अनदेखे जंगलों को निहारते ही रह गया। ना जाने कितनी ही बार मेरा मन इन निरीह जानवरों पर ठहर सा गया। बाड़ोली के इस खंडित मंदिर की खूबसूरत स्थापत्य कला ने मुझे अपना मुरीद बना लिया। पथरीले रास्तों से गुजरकर जब मैं प्राचीन रावठा महल पहुंचा तो इसके गौरवमयी अतीत में खो गया। यहां के तालाबों में जानवर साल भर पानी में अटखेलियों का लुत्फ उठाते हैं। सावन भादो डैम के इस खुलेपन में सैकड़ों परिंदे दूर देशों से छुट्टियां मनाने आते हैं। मैंने यहां वो ग्रासलैंड भी देखी जिसे देश की लार्जेस्ट ग्रासलैंड होने का खुद पर जरा भी गुमान नहीं था। बिना नींव वाले गागरोन फोर्ट की भव्यता देखकर लगा मानो
खूबसूरती का कोई रूप होता तो शायद वो कुछ ऐसी ही दिखती। इसीलिए आहू और कालीसिंध नदी इसे अपने जल से इतना सजदा कर